नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वो सारी बातें हो चुकी कि आकार की उर्दू हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार दीर्घुकार एकार एकार ये सारी बातें हो चुकी हैं। आपने पार्ट वन से लेकर के पार्ट टेन तक देख लिया होगा। अब आते हैं, आज बताते हैं कि ओकार और औकार यानी ओ और औ की उर्दू क्या आती है। तो जाहिर सी बात है कि आप इसकी शक्ल से ही पहचान जाएंगे। आप अगर इसको थोड़ा सा घुमा करके देखें तो इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे ही बन जाती है। इसका मतलब यह है कि ओकार और औकार इन दोनों की उर्दू ही वाव आती है। यानी ओकार और औकार अगर हिंदी शब्दों में रहे तो उसकी उर्दू बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाव का इस्तेमाल कर दें और आपका शब्द बन जाएगा। आप एक मिसाल के साथ देख सकते हैं, लिखा हुआ कोयल, क की उर्दू आती है काफ। अब ओकार की उर्दू आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। आप कहेंगे ओकार की उर्दू वाव है, चलिए मैंने वाव लिख दिया, ये हो गया को। य की उर्दू मैंने कहा था कि य अगर बीच में रहे तो ऐसी सूरत में नुक्ते वाली या का इस्तेमाल होगा, चलिए मैं नुक्ते वाली या का इस्तेमाल कर देता हूं। उसके बाद आती है लाम, लाम की लॉ की उर्दू आती है लाम, ये आपका कोयल हो गया। अब इसको मिलाना कैसे है, काफ को आधा कर देना है, वाव को तो पूरा रखना है और साथ ही साथ वाव को मिलाना है। क्यों? इसलिए कि फिर वही बात के नौ हर्फ ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते नहीं है। कब? जब बाद में हो, यानी अपने बाद वाले से ये हरूफ नहीं मिलते हैं लेकिन अपने पहले वाले से जरूर मिलते हैं। तो इस वाव को काफ से मिला देते हैं, ये आपका को हो गया। यो को अलग कर देते हैं, लाम को या से मिला देते हैं, ये कोयल बनकर के तैयार हो गया। हिज्जा कैसे करना है सामईन नाजरीन, बस सिर्फ फर्क ओकार ओकार और औकार में जो फर्क है वो फर्क सिर्फ पढ़ने में है। यानी अगर आप कोयल पढ़े तो काफ पर पेश लगा दें, ओकार की उर्दू वाव है और उसमें पेश लगा करके पढ़े तो कोयल हो गया यानी ओ हो गया। और अगर औकार पढ़ना चाहे तो वाव के साथ साथ सिर्फ जबर लगा दें, कोयल हो जाएगा। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे, को ओ का को काफ वाव पेश को, ख्याल रखिएगा को ओ का को तो काफ वाव पेश को, या लो यल तो या लाम जबर यल, ये आपका कोयल बनकर के तैयार हो गया। अब दूसरी मिसाल देखते हैं, लिखा है बोतल, बो की उर्दू बे, ओकार की उर्दू वाव, तो की उर्दू ते, लो की उर्दू लाम, ये आपका बोतल हो गया। अब मिलाना कैसे है, बे को मैंने आधा कर दिया, वाव को बे से मिला दिया, ते को अलग कर दिया, लाम को ते से मिला दिया, ये आपका हो गया बोतल। लेकिन अब इसी को अगर औकार के साथ पढ़े, जैसा कि यहां मैंने कौ किया था यहां भी बौ कर देते हैं, तो औकार के साथ पढ़ेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, पढ़ने में सिर्फ बदलाव आएगा। वो बदलाव क्या आएगा, जब तक सिर्फ एक एकार ओकार था उस वक्त तक बेवाव पेश गो था, लेकिन अगर दो ओकार लगा दें तो अब हो जाएगा बेवाव जबर बउ, ते लाम जबर तल, काफ वाव जबर कौ, या लाम जबर यल कौ यल, बेवाव जबर बउ, ते लाम जबर तल बउ तल, आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरी मिसाल देखिए, लिखा हुआ जो कर, जो की उर्दू आती है जी, ओकार की उर्दू वाव, को की उर्दू काफ, रो की उर्दू रे, ये हो गया आपका जोकर। फिर मिलाना कैसे है, जीम को मैंने आधा कर दिया, वाव को मैंने जीम से मिला दिया इसलिए कि अपने पहले वाले से मिलेगा, को की उर्दू काफ, काफ को मैंने आधा कर दिया, अब रे मिलेगा काफ के साथ या नहीं मिलेगा, तो आप कहेंगे हाँ जरूर मिलेगा, जैसा कि वाव जीम से मिला है रे भी अपने पहले वाले से जरूर मिलेगा, तो अब रे को यहां से मिला देता हूं, ये हो गया आपका जोकर। हिज्जा कैसे करेंगे, जी मुआ पेश जो का फराजबर कर, जो कर हो गया। लेकिन आप इसी को जाओ कर बनाना चाहे आप तो फिर क्या करना होगा, इससे पहले वाली मिसाल में आप देख करके बता सकते हैं कि पहले वाली मिसाल में था काफ वाओ जबर कौ, बा वाओ जबर बऊ, तो जी मुआव जबर जऊ, काफ रे जबर कर, हो गया आपका जौ कर। अब आते हैं नोकर, लिखा हुआ है नो की उर्दू नून, ओ का वाव, को की उर्दू काफ, रो की उर्दू रे, ये आपका हो गया नोकर।
अब मिलाना कैसे है, नून को मैंने आधा कर दिया, वाव को नून से मिला दिया क्योंकि पहले वाले से मिलता है, को की उर्दू काफ, काफ को मैंने अलग क्यों किया इसलिए कि बाद वाले से वाव नहीं मिलता है। अब रे मिलेगा या नहीं, तो आप देखिए यहां पे रे मिल चुका है, यहां पे भी रे को मिला दिया जाए, ये हो गया आपका नो कर। इज्जत कैसे करेंगे, नो ओ कर नो, नून वाव पेश नो, को रो कर तो काफ रे जबर कर, ये हो गया आपका नो कर। इसी को अगर आप नौ कर पढ़ना चाहें तो क्या करेंगे, नून वाव पेश की जगह पे नून वाव जबर नौ, काफ रे जबर कर। यानी लिखने में ओ और औ के लिखने में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पढ़ने में फर्क क्या है कि अगर ओ पढ़ें तो वाव के साथ साथ पेश पढ़ना है, और अगर औ पढ़ें तो वाव के साथ आपको जबर पढ़ना है। लास्ट मिसाल देखिए, लिखा है सोहन, सो की उर्दू आती है सीन, ओकार की उर्दू वाव, हो की उर्दू है, नो की उर्दू नून, ये आपका हो गया सोहन। सीन को मैं आधा कर देता हूं, उसके साथ वाव मिला देता हूं, जैसा कि ऊपर वाली मिसाल में ये सब में वाव मिला है, इस वाव को सीन से मिला देता हूं, ये हो गया आपका सो। हे को मैं आधा कर देता हूं, नून को पूरा लिखता हूं, इसलिए कि लास्ट में जो हर्फ आए उसको पूरा पूरा लिखा जाता है, ये आपका सोहन बनकर के तैयार हो गया। इज्जत करेंगे सो ओकार सो, सीन वाव पेश सो, हा नो तो हे नून जबर हन, यानी सो ओकार सो, हा नो हन सोहन, सीन वाव पेश सो, हे नून जबर हन सोहन। इसी को अगर आप सोहन पढ़ना चाहें तो कोई फर्क नहीं है, पढ़ने में सिर्फ जबर लगा दें, यानी लिखने में ओकार और औकार के लिए सिर्फ वाव आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ पढ़ने में है कि अगर आप ओकार पढ़ना चाहें तो वाव के साथ साथ पेश पढ़ना पड़ेगा, औकार अगर आप पढ़ना चाहें तो वाव के साथ साथ आपको जबर लगाना पड़ेगा और आपका शब्द बन जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी मिसाल के साथ आप ओकार और औकार समझ लिया होगा।